भी माधुरी। माधुरी माधुरी। हाँ 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 आई। अब तबीयत कैसी है जी आपकी? ठीक ही है। ये सब कब तक चलेगा? घर में खाने के लिए कुछ भी राशन नहीं बचा। वो जो पैसे बचे थे वो आपकी दवा में और पापा जी की दवा में खर्च हो गए। समझ नहीं आ रहा है कि घर अब कैसे चलेगा। जानता हूँ मैं सब। तुमने अपने नाक की लौंग तक बेच दी इस घर के लिए। मैं लाचार बेबस। मैं करूं भी तो क्या करूं। लेकिन हमें तो कोई ना कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा ना। क्या रास्ता? कौन सा रास्ता निकालें हम? कोई रास्ता भी तो नहीं है। है ना? मैं सोच रही हूं कि कहीं जॉब कर लूं। जॉब? नहीं, तुम इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हो और तुम नहीं जानती इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा जॉब करना सही होगा। आप चिंता मत करो, मैं अपनी सुरक्षा खुद कर सकती हूँ। और भी लड़कियां तो जॉब करती हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? ठीक है, देख लो कहीं कुछ होता है तो। आप मेरे साथ हो ना तो मुझे किसी चीज का भी डर नहीं है। बस आप मेरे साथ रहना, फिर तो मैं हर परेशानियों का सामना कर लूंगी। हे भगवान, अब और कौन कौन से दिन दिखाएगा मुझे? आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मैं आज ही कोशिश करती हूँ कहीं जाके की जॉब मिल जाए मुझे। बस तब तक आप अपना ख्याल रखना। अपना ध्यान रखना माधुरी, थोड़ा घर जल्दी आना। कमिंग। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सर। सो मैंने आपके रिज्यूमे देखी है जी, और कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं आपके पास? जी सर। सो विदाउट एनी एक्सपीरियंस आपने जॉब के लिए अप्लाई किया? दैट्स गुड। विदाउट एक्सपीरियंस मैं आपको जॉब नहीं दे सकता। सर प्लीज, मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है सर। I stand, but मुझे sir, please. I understand, but मुझे receptionist की जरूरत है। सर, इसकी जगह पे कोई और काम दे दीजिए। मैं यकीन दिलाती हूँ कि आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आप जो कहेंगे मैं वो करूँगी। Okay. But आपको क्या काम दिया जाए? सर, इसकी जगह पे कोई और काम दे दीजिए।
आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। मैं जो कहूंगा वो करोगी? जी सर। इस जॉब की आपको इतनी जरूरत क्यों है? सर कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है। ओके। एंड व्हाट अबाउट योर हस्बैंड? सर 3 साल पहले उनका एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से वो चल फिर नहीं पाते हैं। ओह आई एम सो सैड, आई एम सो सॉरी। सो प्लीज टेक वाटर। सो ओके 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 सो सैड। वाओ क्या बात है। ओके सो गॉड, तुम्हारी कहानी सुनने के बाद मुझे लगता है तुम्हें जॉब देनी पड़ेगी। थैंक यू सर, थैंक यू। सो लेकिन तुम इतना लेट क्यों आई यहाँ? लेट ट्राई क्यों किया? सर हस्बैंड के 2 साल उनके देखरेख में लग गया जिसकी वजह से मैंने कई जॉब ट्राई किया पर कहीं नहीं मिला। राइट? जी सर। ओके देखो अब जो काम मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ वो काम बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली है। सर आपको बिल्कुल शिकायत का मौका नहीं दूंगी, मैं बहुत मेहनत से ये काम करूंगी। मेरे ऑफिस आने जाने का कोई टाइम नहीं होता है, मैं कितने बजे ऑफिस आता हूँ और कितने बजे ऑफिस से जाता हूँ। जब तक मैं ऑफिस में रहता हूँ आपको ऑफिस में रहना पड़ेगा। ठीक है सर। और मैं जब ऑफिस से जाऊँगा तो आपको ऑफिस से जाना होगा। जी सर। राइट? यस सर। सेकंड, सो व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन फॉर सैलरी? आपने क्या सोचा अपनी सैलरी के लिए? मतलब सर आप अपनी सैलरी के बारे में क्या सोचते हो? व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन अबाउट योर सैलरी? सर ये तो आप ही बताओगे। नहीं आपने भी तो कुछ सोच रखा होगा। सर आई थिंक 15। ओके, जो मैं जिम्मेदारी तुम्हें दे रहा हूँ वो जिम्मेदारी है पर्सनल सेक्रेटरी। जी सर। जिम्मेदारी तुम्हें असिस्टेंट की समझनी होगी। ओके समझ गई। सो पर्सनल असिस्टेंट का मतलब समझते हैं आप? जी सर। पर्सनल असिस्टेंट का क्या काम होता है, क्या जिम्मेदारियां होती हैं? डू यू अंडरस्टैंड? मैं तुम्हें 30,000 सैलरी दूंगा। क्या सर? 30,000 सैलरी दूंगा बट जिम्मेदारी तुम्हें असिस्टेंट की समझनी पड़ेगी। ओके अंडरस्टैंड? सर बता दीजिए आप जैसा कहेंगे। बस ये समझ लो कि आप मेरा ख्याल तुम्हें रखना पड़ेगा। मैं कहाँ होता हूँ, कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ, ये सब चीजों का ख्याल आपको रखना पड़ेगा। जी सर। ठीक है। एंड बहुत सारी चीजें होती हैं जो पर्सनल असिस्टेंट का काम होता है, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं वगैरह वगैरह। आपको पूरी मेरी ख्याल रखनी पड़ेगी। आप चाहती हैं? इस सर्विस के लिए मैं तुम्हें 30,000 दूंगा। जी सर। और मेरी कुछ रिक्वायरमेंट है जो मैं तुम्हें बताता हूँ। एनीथिंग आपको रिक्वायरमेंट है? बिकॉज अपनी चीजें मैंने सारी चीजें बता दी हैं। जी सर। और एनीथिंग, एनी डाउट, आप जो भी सोचते हो
सब कुछ देने को तैयार हूँ। मुझे नहीं पता था कि आप इतने नीच और गिरे हुए इंसान हैं। मैं यहाँ पर इस जॉब के लिए और मेहनत से पैसे कमाने के लिए आई थी, अपना जिस्म बेचने के लिए नहीं। हर किसी का वक्त आता है सर, समझ में आया आपको? हो सकता है जिस प्रकार आप मेरी मजबूरियाँ, मेरी परेशानी, जिनका आप फायदा उठा रहे हैं, मेरी जगह आपकी बहन और बेटी होती तो क्या आप इसी तरह से काम देते?